फिर जैसे आपने एक तहफ़ुज़ात ज़ाहिर किए जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी बरादरी का, आपके बारे में उन्होंने कंसर्न शो किया कि सहाफ़ियों को तहफ़ुज़ होना चाहिए, और रियाज का क्या नाम है पूरा इमरान रियाज का ख़ुसूसी बात हुआ और उन्होंने कहा इमरान रियाज हमारे पास नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि इसी तरह एक हुआ था और मैं हमने कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कहें और एक हफ्ते में आ गया था, तो उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे ताकि ये ईद इमरान रियाज अपने घर में बाल बच्चों और खानवादे के साथ गुजार सके। तो ये आपके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ये कोई काबिश करके ये इमरान रियाज को मुखलसी मिलेगी। दूसरी बात हुई कि औरतों को 39 औरतें उन्होंने कहा हमारी कस्टडी में हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए किसी के लिए भी ये हरासा न किया जाए और उनके लिए ये तंगी न की जाए। और मैं अपने बारे में आखिरी कहूँगा कि वकीलों के बारे में भी जज साहब ने ये कहा कि जहाँ तक वकला का ताल्लुक है इनको भी तहफ़ुज़ देना रियासत का फ़र्ज़ है, और दो नाम लिए मेरे अलावा भी, उनके नाम भी लिए और उनके हद तक उन्होंने कहा कि इनको भी तहफ़ुज़ दीजिएगा। तो आज बार कैफ आज की कार्रवाई, और अब चूँकि उन्होंने कहा सोमवार को अभी ईद के बाद कुछ जज साहबान गालिबन वो रुख्सत पर होंगे या मुयस्सर नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा सोमवार को हम ये ईद का पहला हफ्ता छोड़कर अगले हफ्ते की तारीख मुकर्रर कर देंगे इसकी, और इसलिए वो चाहते हैं कि इसका जल्दी इंशाल्लाह फैसला हो। अटॉर्नी जनरल साहब भी अपना इस्तमलाल फरमाएंगे, उनको कहा गया है कि आप किताब की शक्ल में आपकी मारूजात और जो दस्तावेजात देना चाहते हैं वो शामिल कर देंगे, और हमारी जानिब से फिर जवाब यहाँ गज़ल के तौर पर हम भी अर्ज़ करेंगे जो होगा। एक एक करके आप क्या कहेंगे, दूसरा जो खुद एहतसाबी का अमल हुआ है फौज के अंदर और सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आप उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखें मैं समझता हूँ कि DGISPR हो या कोई हुकूमती नुमाइंदा हो, जब एक मामला अदालत में चल रहा हो तो हमारे आदाब इसी चीज़ के मुतकाजी हैं कि हम उस पर जो है हुकूमत या ISPR की तरफ से ये एतराज़ करना चाहिए था, इसलिए अदालतें इन चीज़ से मावरा होकर आपने देख लिया कोई जिक्र नहीं हुआ ISPR की यहाँ बहस करना, हमने कोई शिकायत की न किया। हम समझते हैं कि ये जिस तरह वो सियासतदान कहते हैं कि ये सियासी बयान था, तो इसी तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनको अपनी फोर्सेस को यकीनन एक जो है मोरेल हाई करने के लिए उनका था। हम इस चीज़ का अदालत के आइन और कानूनी बहस व तमहीज़ पर कोई असर नहीं होता है, इंशाल्लाह आईन और कानून के मुताबिक अदालत इसको जारी और सारी रखेगी और फैसला होगा। मूसा साहब, आपने 99.9% कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात की है, अच्छा इसी जिम्मे में हमें इलीगल एबडक्शन और फैमिली मेंबर्स को हॉस्टेज बनाने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये भी आ रहा है कि जो लोगों के बिजनेसेस हैं उन पर भी क्रैकडाउन हो रहा है, तो आप समझते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल होगी या सिर्फ क्वेश्चनेबल होगी या बिल्कुल कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी? देखें जहाँ तक तो सिविलियंस का ताल्लुक है, सिविलियंस के मामलात में मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री पर्सनल का आइनी तौर पर कोई दखल अमल नहीं है, नहीं आइन के तहत और कानून के तहत जो है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बिल्कुल मावराए आइन है और वो गलत है। अगर सिविलियंस कर रहे हैं उसको तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, अगर हुकूमत कर रही है या कोई या पुलिस कर रही है या FIA कर रही है या कोई और इदारा नैब कर रहा है, तो यकीनन हरासा करने की और इस किस्म के गैर कानूनी गैर आइनी इर्तकाब का कोई गुंजाइश नहीं है। किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल करना, किसी को अगवा करना, किसी को हरासा करना, ब्लैकमेल करना, भत्ता लेना, इसकी कोई कानून में आइन में गुंजाइश नहीं है। आप हमारे पास आएँ, हम आपकी नालिश करेंगे। जो साथ साथ जो DGISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे मैसेज नहीं मिला, 102 अपराध के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने जो बताया उसके मुताबिक नहीं चला, तो कौन किस पर इत्मीनान करे? वो सियासी बयान था, ये असली बयान है जो अदालत में दिया।